हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट पे भी पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो सबसे ज्यादा वोट्स मिले इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट को, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई। वैसे आज हम लोग बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ज्वेलरीज। मैंने ये नोटिस किया कि जब भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे ज्वेलरीज बनाते हैं तो उसे पहनते नहीं है क्योंकि वो ज्यादा एस्थेटिक नहीं लगता, पर आज हम लोग बहुत ही प्यारी और एस्थेटिक ज्वेलरीज बनाने वाले। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इयररिंग नंबर 1। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये क्रिस्टल बीड आज के वीडियो के मेन इंग्रेडिएंट है। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है, कभी कभी चीजें गिर जाती है। एनीवेज, क्रिस्टल बीड्स तो हो गई, उसके बाद हमें चाहिए होगी स्मॉल साइज की वाइट बीड, नायलॉन थ्रेड और इस टाइप का अगर आप लोगों के पास स्टड हो तो वो ले लेना। सबसे पहले नायलॉन थ्रेड को कट करना है और उसमें इंसर्ट करना है ऑरेंज क्रिस्टल बीड, फिर एक वाइट बीड और उसके बाद एक और ऑरेंज बीड, एंड देन फिर से एक वाइट बीड और उसके बाद ग्रीन बीड। और इन बीड्स को इंसर्ट करने का सीक्वेंस आप लोग देख सकते हो, तो मुझे बार बार ऑरेंज ग्रीन व्हाइट करने की जरूरत नहीं है। इन बीड्स को आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो जितनी बड़ी आप लोगों को इयररिंग चाहिए। मुझे ज्यादा बड़ी इयररिंग नहीं चाहिए थी तो बस मैंने इसी प्रोसेस को एक और बार रिपीट किया। तो बस इसे फोल्ड करके अच्छे से नॉट टाई कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करने के बाद थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देना। वैसे मैं इन्हें बनाना तो राउंड चाहती थी बट ये बन गए ओवल, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानते हुए इन्हें ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि ऐसे भी ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को गोल्डन स्टार शो किया था बट बनाने के बाद वो अच्छे से मैच नहीं करा इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट स्टार अटैच किया। और ये देखो, इसी इजी प्रोसेस से हमारी प्यारी प्यारी सी इयररिंग्स बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग बनाएंगे इयररिंग नंबर 2 और इस इयररिंग को बनाने का प्रोसेस उससे भी ज्यादा इजी है। इसे बनाने के लिए मैं ये सारे मटेरियल्स का यूज करूंगी। सबसे पहले हेडपिन में एक स्मॉल गोल्डन बीड इंसर्ट करेंगे और उसके बाद लार्ज साइज की वाइट बीड, एक्स्ट्रा वायर का लूप बना के साइड में रख देना। इसके बाद हम लोग एक और हैंगिंग बनाएंगे जिसके लिए हेडपिन में हमें फिर से गोल्डन बीड इंसर्ट करना है, पर इस बार वाइट बीड की जगह हम लोग ग्रीन एंड ऑरेंज क्रिस्टल बीड्स यूज करेंगे। लास्ट में अगेन एक गोल्डन बीड और बस उसके बाद लूप बना के लॉक कर देना। हेडपिन थोड़ी सी छोटी थी तो मुझे एकदम छोटा सा लूप बना, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमें लेना है गोल्डन ज्वेलरी चेन। यहाँ पे मैं इसके लूप्स काउंट और उसके बाद इसे कट करूंगी क्योंकि एक चेन हमें थोड़ी छोटी चाहिए और दूसरी वाली उसे थोड़ी बड़ी। जब चेन कट हो जाए तो दोनों के एंड में हम लोगों ने जो हैंगिंग बनाई थी उसे अटैच कर देना है। जो छोटी वाली चेन थी उसमें मैंने क्रिस्टल बीड वाली हैंगिंग अटैच की। आप लोग अपने हिसाब से जैसे बनाना बना सकते हो, मेरा तो काम बस आइडिया देना है। एनीवेज, जब ये रेडी हो जाए तब हमें इन्हें ऐड करना है जंप रिंग में और फिर उस जंप रिंग में एक इयररिंग हुक अटैच कर देना है। इसके बाद हमारी इयररिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बताओ, था ना ये इजी प्रोसेस, और जितनी इजीली ये बनी है उतनी ज्यादा प्यारी भी लग रही है। हम लोगों ने दो दो इयररिंग्स बना ली, अब चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बना सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट DIY की तरफ। अगला DIY मैं सोच रही हूँ कि ब्रेसलेट बना दूँ क्योंकि देखो, जो लोग पार्टिसिपेट करते नहीं है वो तो ये सब ज्वेलरीज पहन के जा नहीं सकते। अगर पहन के जाएंगे भी तो सीनियर टीचर्स को छोड़ो सबसे पहले जूनियर टीचर मार के भगाएंगे, इसीलिए मैं एक सिंपल सा और प्यारा सा ब्रेसलेट बना रही हूँ, ये तो पहन ही सकते हैं। ये ब्रेसलेट में भी मुझे क्रिस्टल बीड्स ही यूज करने थे, पता नहीं मैंने क्या सोच के ये बीड्स ले ली। हाँ, मैंने ये सोचा कि ये मेरे पास पड़ी हुई है तो मुझे यूज कर लेना चाहिए, पर अगर क्रिस्टल बीड यूज करते तो ये ज्यादा प्यारा लगता। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक थ्रेड लेना है, एक साइड जंप रिंग टाई करके ग्लू अप्लाई कर देना है और फिर बीड्स इंसर्ट करना स्टार्ट कर देना है। बीड्स इंसर्ट करने का सीक्वेंस वही सिंपल सा है, पहले व्हाइट, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट और फिर ग्रीन। इस सीक्वेंस को रिपीट करते करते अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग से रेडी कर लो। उसके बाद हम लोग दूसरे एंड में भी जंप रिंग अटैच करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरह से टाई कर दिया है। यहाँ तक बनाने के बाद हमारा ब्रेसलेट आधा रेडी हो जाएगा। इसे पूरा ब्रेसलेट बनाने के लिए आगे का प्रोसेस देखो। ये ब्रेसलेट कुछ ज्यादा ही सिंपल ना लगे इसलिए मैं इसमें चार्म भी अटैच करूंगी जिसको मैंने लार्ज साइज के व्हाइट बीड से बनाया है। इस चार्म को मैं सिल्वर चेन में अटैच कर दूंगी और ऐसे ही मैंने एक और बनाया है। ये दोनों बन जाए तो हमारे ब्रेसलेट के दोनों एंड में इन्हें अटैच कर देना है, जिसके लिए अलग से जंपरिंग यूज करने की जरूरत नहीं, बस उसी जंपरिंग को। जंपरिंग क्या बोल रही हूँ यार मैं, यार एवरीथिंग इज टेम्पररी बट मेरा बोलते बोलते गड़बड़ाना इस परमानेंट। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी वीडियोस इतने दिनों से देख रहे हो तो आदत तो हो ही गई हो। बाय द वे, ये देखो हमारा ब्रेसलेट बिल्कुल रेडी हो गया। एंड मैंने लॉबस्टर हुक अटैच कर दिया था एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस। क्योंकि हम लोगों ने इयररिंग्स दो बनाई थी तो ब्रेसलेट भी दो बनाने पड़ेंगे। ये ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है बट कसम से इतना ज्यादा प्यारा लगता है ना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिल्वर आई पिन में दो ग्रीन क्रिस्टल बीड ऐड करनी है और उसके बाद दो ऑरेंज क्रिस्टल बीड, फिर लूप बना के लॉक कर देना और उसके बाद लेना एक प्यारा सा चार्म। आप लोग ट्राई करना कि व्हाइट चार्म हो बट मेरे पास व्हाइट था नहीं, अगर था भी तो वो मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने पिंक बटरफ्लाई वाला चार्म ले लिया। अब इसके दोनों एंड में सिल्वर चेन अटैच करना है और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि एक चेन में लॉबस्टर हुक अटैच करना है। एंड लुक क्यूटीज, हमारा प्यारा सा एस्थेटिक ब्रेसलेट बिल्कुल रेडी। अब चलो नेक पीस भी बनाई लेते हैं क्योंकि ब्रेसलेट बना रही है, इयररिंग्स बनाई, बचा है तो नेक पीस। मतलब अभी तो बहुत सारे ज्वेलरीज बचे हुए हैं बट मैं मेन ज्वेलरीज की बात कर रही हूँ, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा मैंने आई पिन में बीड्स इंसर्ट करके लूप बना के रख दिया और बस छोटे छोटे गोल्डन चेन्स कट करने हैं और एक एक लूप से अटैच करते करते एक चेन रेडी कर लेनी है। और जब तक मैं इसे रेडी कर रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि भाई 7 मिनट्स की वीडियो और मैं कंटिन्यूअसली बोलते बोलते लिटरली थक गई हूं, इसलिए मेरी मेहनत का थोड़ा ख्याल रखते हुए लाइक कर देना। और आप लोग जानते हो सिर्फ बोले में मेहनत नहीं लगती, ये ज्वेलरीज बनाने में इतनी मेहनत लग रही है
आप लोग देख रहे हो ना, मतलब हाँ मैं खुद कहती हूँ कि ज्वेलरीज बहुत इजीली बन जाती है, पर जब इतनी सारी ज्वेलरीज एक साथ बनानी हो तब तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एफर्ट। खैर हमारी चेन बन गई है, एक एंड में लॉबस्टर हुक अटैच कर देना है जैसे ही ब्रेसलेट में अटैच किया था, और हमारी सिंपल सी नेक पीस भी रेडी हो गई। यार जो भी कहो ये भी कम प्यारी नहीं लग रही है। तो नाउ हम लोग बनाएंगे हमारा लास्ट DIY आज की वीडियो का। मैंने वायर से ऐसा बहुत पहले फ्लावर बना के रखा था और मुझे पता नहीं था कि इसमें यूज होगा, खैर मुझे दिख गया तो मैंने सोचा कि इसका यूज करके एक नेकलेस बनाते हैं। तो चलो अब जल्दी जल्दी से मैं इसका प्रोसेस आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले लेना है गोल्डन हेडपिन और उसमें 3 मीडियम साइज की वाइट बीड्स इंसर्ट करनी है, लूप बना के लॉक करना है और साइड में रख देना है। उसके बाद फिर से एक आई पिन लेनी है और उसमें ऑरेंज एंड ग्रीन क्रिस्टल बीड डाल करके लॉक कर देना है। इसके एक लॉक को ओपन करना है और जो फ्लावर हम लोगों ने वायर का बनाया था उसे अटैच कर दो, जिसके बाद ये कुछ इस टाइप का लगेगा। नेक्स्ट हमें ले लेना है गोल्डन ज्वेलरी वायर और उसे क्रिस्टल बीड वाले आई पिन के एक एंड से अटैच कर देंगे। इसके बाद का प्रोसेस ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। जो दूसरी एंड रहेगी चेन की उसे फ्लावर के पेटल के अंदर से इस तरह से निकाल लेना है और फिर वो वाली बीड की हैंगिंग लेनी है जो हम लोगों ने बना के रखी थी और उसे इसके एंड में अटैच करना है। बस नेक पीस हमारी रेडी है, बट हम लोगों ने तो इसमें लॉबस्टर हुक अटैच किया ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी कौन सी देर हो गई, इसे बीच से कट करो और एक एंड में लॉबस्टर हुक अटैच कर दो एंड दैट्स इट, हमारी नेक पीस भी बिल्कुल रेडी है। तो चलो अब मैं आप लोगों को सारी ज्वेलरी शो करती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बता देना और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय क्यूटीज।